भारत के किसान आंदोलन पर हॉलीवुड सिंगर रिहाना ने ट्वीट करके दुनिया वालों का ध्यान इस मामले की तरफ खींचने की कोशिश की है। रिहाना के ट्वीट के बाद कई और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां भी इस आंदोलन पर अपनी राय रखकर भारत सरकार को घेरती दिखाई दे रही हैं। इंटरनेशनल मीडिया में मचे हंगामे के बीच भारत सरकार ने एक स्टेटमेंट जारी करके अपना पक्ष रखा है। इस स्टेटमेंट को बॉलीवुड कलाकार अक्षय कुमार ने रीट्वीट करते हुए अपनी बात रखी है, जिसके बाद अक्षय कुमार को ट्रोल किया जा रहा है। किसानों के मुद्दे पर हॉलीवुड इंडस्ट्री द्वारा ट्वीट करने को लेकर विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि भारत सरकार लगातार इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ किसानों की वजह से ये मामला उलझता जा रहा है। भारत सरकार की तरफ से जारी किए गए इस स्टेटमेंट को बॉलीवुड कलाकार अक्षय कुमार ने रीट्वीट करते हुए अपनी बात रखी। अक्षय कुमार ने ट्वीट में लिखा, किसान हमारे देश का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। इस मामले को सुलझाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वे स्पष्ट हैं। विवाद पैदा करने वाले लोगों को अटेंशन देने के बजाय आइए एक सौहार्दपूर्ण हल का समर्थन करते हैं। अक्षय कुमार को इस ट्वीट की वजह से ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ रहा है। अक्षय कुमार के खिलाफ अपनी राय रख रहे लोगों का कहना है कि भारत देश के मामलों में कनाडा वाले ना ही बोले तो अच्छा होगा। आपको बता दें कि अक्षय कुमार के पास भारतीय नागरिकता नहीं है, वो कनाडा के नागरिक हैं। यही कारण है कि लोग उनको कनाडा वाला कहकर ट्रोल कर रहे हैं। लोग कमेंट में उनसे पूछ रहे हैं कि क्या वो भारत के नागरिक बनेंगे। टीवी लाइव की रिपोर्ट।